अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी छोटी सी सिस्टर फबीहा का तो पता ही होगा, तो आपको तो फबीहा का पता ही होगा। एंड आप देख सकते हो फबीहा ने कितना अच्छा मैनेजमेंट बनाया। हमारे ये कैबन्स बने थे, जिस तरह अक्सर घर में होता नहीं है कि कैबन्स होते हैं बने, एंड डोर्स ऐसे 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 लगे होते हैं हर जगह पे, ऐसे ऐसे लाइन वाइज। तो उसने देखो एज अ किचन इतनी अच्छी शेल्व्स बनाई कि इसको सारा डेकोरेट किया। मैंने सोचा आपके साथ भी एक व्लॉग शेयर कर दूँ। एंड ये उसने कुची रखी थी, पता नहीं क्या ऐसी गई थी, एंड क्लीन करने के लिए कहती है हमें जल्दी जल्दी मार्केट जाना होगा, अगर वेजिटेबल्स ख़त्म होंगी हम इस पर्स को फ़ौरन उठाएंगे और भाग पड़ेंगे। ये मैं उसने कहा था कि ये फ्रिज है, ये ओवन है, ये शेल्फ है, एक और शेल्फ, ये सिंक है, ये सोप है नकली का, अच्छा ये प्लेट्स, ट्रे, चॉपिंग बोर्ड, एंड नीचे सिलेंडर लगा हुआ है। सिलेंडर के थ्रू गैस के चूल्हे चलते हैं ना, इसलिए अब हम क्या करेंगे। अब मैंने करनी है कुकिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक ट्रे निकाल लेती हूँ, एक चॉपिंग बोर्ड, इसको फिर भी मैं एक शेल्फ के तौर पर यूज़ करूँगी, ठीक है। अब मैं एक नाइफ ले लूँगी। चलो जो मुझे वेजिटेबल्स चाहिए। अब क्या बनाए वैसे, पिज़्ज़ा बनाते हैं। चलो मैं थोड़ा सा एग भी डालूंगी पिज़्ज़ा में। अच्छा इसका हॉट डॉग का चिकन, इसकी टॉपिंग बनाने के लिए टमाटो, क्रैम्बोला, थोड़ा सा एग भी डालेंगे ना इस बार, एंड थोड़ा सा गाइस चिपकर कैसे कर लेते हैं, ऑलिव डालने के लिए ऑलिव के बजाय हम लोग ये डालेंगे, ये भी टेस्ट देता होते हैं। चलो अभी सारे वेजिटेबल्स को हम लोग कट कर देते हैं। सॉरी कट पहले करने से पहले हम इसको वॉश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हर एक फ्रूट को वॉश कर देती हूँ। एक्चुअली मुझे समझ नहीं लग रहा मैं कैमरा किस साइड पे रखूँ अपना। इसी के अंदर डाल देते हैं, ऐसे हम वॉश कर देंगे। उसने कहा था ये ऐसे ही यूज करना है। चलो हमें वाटर डाल दिया, वॉश हो गया। अब मैं इसको निकालूंगी वन बाय वन ट्रे में। हेलो हमारा हो गया सारा। ओ ये तो जाते जाते निकल गया। ये मैग्नेट है ना, इसको चिपका के रखती जो जाते जाते निकल गया। चलो खैर चलो अब मैं इसको कट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैरेट को कट करेंगे। गाइस ये रियल कट नहीं होता। मैं खेलने के इंस्ट्रूमेंट है ना, प्लास्टिक का है, स्लिप होके गिर गया ऑलिव के तौर पे, टेस्ट दे देता होता है। अब इसका हाफ पीस लेंगे हम, हाफ पीस फ्रिज में रख देंगे। अब आप देख सकते हो। चलो मैंने अब मैं क्या करूँगी, इन सारों का फिर भी ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे कर दूँगी, जो जो रह गया पीस खुद ही कट हो जाएगा। अब नाइफ वॉश करेंगे, कटिंग बोर्ड को भी वॉश कर देंगे। अब मैंने इसको रख दूंगी। अब सारे सब्जियों को मैं मतलब पिज्जे की शेप में कन्वर्ट करूंगी, थोड़ी सा मैं डालूंगी। एंड गाइस मैंने अब पिज्जे को उसकी शेप में देने के बाद दो स्लाइस ही करने थे, क्योंकि मैं दो खा पाती हूँ, इस वजह से मेरे पास मोल्डर था शेप वाला, तो मैंने उससे कर लिया। अब मैं इसको ओवन में रख दूँगी, अब ऑन कर दूँगी नकली मुखली का 135 डिग्री, ओके 10
देखा अच्छा मेरा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब इसको मैं कट कर देखती हूँ इसकी डो सही है। अभी थोड़ी देर और लगेगा। टिक चलो निकाल लेते हैं। अब हाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो गया इसका डो। अब मैं क्या करूँगी इसको नाइफ से कट कर दूँगी। अब मैं अपना मैं ये लूँगी एक शेवल, एक पिज़्ज़ा खाने के लिए स्लाइसर और चलो टू स्लाइस अलग हो गए। अब मैं इस एक स्लाइस को इससे उठा लूंगी इस शवेल से। मैं पहले प्लेट ले लूँ, भूल ही गई थी मैंने प्लेट ली। चलो अब मेरे पास प्लेट आ चुकी है एंड अब मैंने प्लेट ले ली और ये ब्लू कलर का प्लेट है एंड अब मैंने इसमें पिज़्ज़ा डाल दिया। टन अब देख सकते हो। अब मैं दूसरे वाले को इससे उठाऊंगी। इतनी अच्छी अच्छी खुशबुएं आ रही है ना। दूसरे वाले को भी इसी प्लेट में डाल दूंगी। पूछ लूंगी भाई ने भी खाना हुआ तो। अरे बाबरे यम्मी। एक ऐसा करती स्लाइस फ्रिज में संभाल लूंगी, बाकी कल खा लूंगी। मैं किसको दूँ, मैंने अपनी मेहनत से बनाया। बस अपने वाले में से वन स्लाइस चेक करवा दूंगी। चलो स्पॉन्ज रख लेती हूँ। जैक एंजल वेंट अप द हिल, जैक स्पिल वॉटर, Jack fell down a box, strong vinegar and jumping, vinegar and jumping. चलो भाई को देख लेते हैं थोड़ा सा। और भाई ने तो लिया ही नहीं। चलो मैं खा लूँगी एक पीस, संभाल लूँगी। देखना मूवी देखने के बाद इसको साथ ही याद आना है पिज़्ज़ा। मैं इसको दूँगी नहीं, छुपा देती हूँ ऊपर कवर करके ऐसे। ठीक है इतना ही है, अब खाती हूँ। अब हो गया। हेलो मैंने पिज़्ज़ा खा चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।